इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज करवा सकता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश भगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एफआईआर दर्ज कौन करा सकता है, लेकिन इससे पहले आप ये जान ले कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो वह अपराध दो कैटेगरीज का होता है, यानी कि अपराध दो कैटेगरी के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, जिन्हें गंभीर प्रकृति के अपराध कहते हैं, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध, जो साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं। जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उन्हीं मामलों में पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। जो गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं है यानी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उन मामलों में कोई भी एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर नहीं करवाई जा सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय प्रकृति के अपराध के तहत हत्या, हत्या का प्रयत्न, लूट, डकैती या फिर बलात्कार जैसे गंभीर अपराध आते हैं। जबकि जो असंज्ञेय प्रकृति के अपराध होते हैं, उसमें किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना या फिर उपेक्षा से वाहन चलाते हुए किसी व्यक्ति को मामूली से क्षतिकारित करना, ऐसे अपराध असंज्ञेय अपराध होते हैं। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है किसी भी अभियुक्त को, और जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें पुलिस वारंट के बिना किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो देखिए, जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध होता है यानी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति द्वारा अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में उस अपराध की सूचना दी जाती है उस अभियुक्त को दंडित करवाने के लिए। ये जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है यानी जो एफआईआर होती है, सीआरपीसी के सेक्शन 154 यानी 154 के तहत लेखबद्ध करवाई जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति जो आहत व्यक्ति है यानी पीड़ित व्यक्ति है यानी विक्टिम है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आई विटनेसेस है यानी उस घटना से उस व्यक्ति का ताल्लुक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित के परिवार से संबंध रखता है, उसका रिश्तेदार है, या फिर उसका कोई दोस्त है जो उस मामले के जो भी तथ्य होते हैं उनसे अवगत होता है, तो ये जो भी व्यक्ति होते हैं ये एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यानी कि कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई आई विटनेस यानी साक्षी, या फिर कोई भी विक्टिम होता है, आहत व्यक्ति होता है, उसका कोई रिश्तेदार हुआ, उसका दोस्त हुआ, ये सभी एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। साथ ही आप एक बात और जान लें कि जब भी ये व्यक्ति थाने में कोई एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं, चाहे ऐसा व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति स्वयं हो, और थाने में जैसे ही वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं और थाने के बारसाधक अधिकारी द्वारा उन्हें एफआईआर रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया जाता है, चाहे उनका जो मामला है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ऐसी परिस्थितियों के बाद उन व्यक्तियों द्वारा 154(3) की पालना भी कर ली गई है, यानी कि उस जिले के पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में अवगत करवा दिया गया, उसके बाद भी उस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की गई है, तो ऐसी दशा में उस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने के लिए कोर्ट के समक्ष इस्तगासा पेश करना होता है और कोर्ट से यह निवेदन करना होता है कि आप 156(3) के तहत पुलिस को यह आदेश दे कि पुलिस उस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड करे। जो कोर्ट के समक्ष इस्तगासा पेश किया जाता है यानी जो परिवाद पेश किया जाता है, वो आहत व्यक्ति या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस घटना का साक्षी है यानी आई विटनेसेस है, या ऐसा व्यक्ति जो उस घटना के पहलुओं से अवगत है, वो व्यक्ति परिवाद पेश कर सकता है। साथ ही ध्यान रहे, परिवाद संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों दशाओं में किया जा सकता है, जबकि जो एफआईआर होती है यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है वो ओनली कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं यानी जो गंभीर प्रकृति के ऑफेंस होते हैं उन्हीं में लेखबद्ध करवाई जा सकती है। और आप जैसे ही पुलिस अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इतला देते हैं, तो ऐसी दशा में आपकी जो भी इतला होती है उसे एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल जो रिपोर्ट होती है उसमें लेखबद्ध कर ली जाती है। इस संबंध में सीआरपीसी सेक्शन 155 में प्रावधान किया गया है, और सेक्शन 155 के अनुसार जब आप पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इतला देते हैं, तो ऐसी दशा में यदि आप इतला लिखित में देते हैं तो आपको वह लिखित में, या फिर आपने अगर इतला मौखिक रूप से दिए तो आपको मौखिक रूप में वह यह बताएगा कि आप इस संबंध में जो भी क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट के पास जाए और परिवाद पेश करें। किसी पुलिस अधिकारी को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की कोई इतला मिलती है और पुलिस अधिकारी द्वारा उस इतला के बाद उस पर रिपोर्ट लेखबद्ध कर ली गई है यानी एफआईआर लेखबद्ध कर ली गई है, तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के आदेश के बिना भी शुरू कर सकती है। लेकिन जहां पर कोई असंज्ञेय अपराध है और पुलिस को इस संबंध में इतला मिलती है तो इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेगी जब तक उसे कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के आदेश प्राप्त नहीं हो जाते। और इसके साथ आप यह भी जान लें कि यदि कोई व्यक्ति किसी घटना से किसी भी प्रकार से कोई ताल्लुक नहीं रखता है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति उस घटना के संबंध में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति उस घटना से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है,
ना ही उसके सामने वो घटना घटित हुई है, यानी कि वह व्यक्ति उस घटना का कोई साक्षी नहीं है और आई विटनेसेस नहीं है। यानी एफआईआर और परिवाद उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो आहत व्यक्ति है, विक्टिम है, या फिर कोई साक्षी है यानी आई विटनेसेस है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस घटना से उसके हित प्रभावित हुए हैं, यानी वह व्यक्ति भी उस घटना के कारण आहत हुआ है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जो भी एफआईआर दर्ज होती है वो कॉग्निजेबल जो भी अपराध होते हैं यानी संज्ञेय प्रकृति के अपराध होते हैं उन्हीं में दर्ज होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध में केवल परिवाद यानी कंप्लेंट पेश की जाती है। परिवाद के संबंध में सीआरपीसी के सेक्शन 2D में प्रावधान किया गया है, परिभाषित किया गया है। और साथ ही हमने यह भी जाना कि जो भी एफआईआर होती है वो आहत व्यक्ति यानी जो विक्टिम व्यक्ति होता है उसके द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है, या फिर उस घटना का कोई आई विटनेसेस हुआ यानी कोई साक्षी हुआ, या उस घटना से किसी भी प्रकार से कोई ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हुआ, जो चाहे उसका रिश्तेदार हो या फिर कोई मित्र हो, या उस घटना से उसकी भावनाएं आहत हुई है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो उस घटना से किसी भी प्रकार से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, विक्टिम भी नहीं है, साक्षी भी नहीं है यानी आई विटनेसेस भी नहीं है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति ना तो एफआईआर दर्ज करवा सकता है और ना ही परिवाद पेश कर सकता है। और एफआईआर के संबंध में जो भी प्रावधान किए गए हैं सीआरपीसी के सेक्शन 154 यानी 154 में प्रावधान किए गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा उस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष पेश करती है। ऐसी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट कहलाती है और ऐसी रिपोर्ट दो प्रकार की हो सकती है। यदि पुलिस उस मामले को बनता हुआ पाती है तो ऐसी रिपोर्ट चार्जशीट में हो सकती है। यदि पुलिस उस मामले को नहीं बनता हुआ पाती है यानी उस मामले को झूठा पाती है तो ऐसी दशा में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट यानी फॉल्स रिपोर्ट यानी एफआईआर पेश कर देती है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में थोड़ा बहुत सहायक रहा होगा। आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।